नमस्कार टॉप 9 न्यूज़ साथे हूं छु हिना। सौप्रथम नजर करीशु राज्यना टॉप 9 न्यूज़ पर। राज्यमां छेल्ला 24 कलाकमां कोरोनाना 21 नवा केस सामे आव्या। कोरोना कारणे राज्यमां एक पण दर्दीनुं मोत नथी थयुं तो 18 दर्दीओने रजा आपवामां आवी। राज्यमां त्यार सुधीमां कुल 8.15 लाखथी वधु लोको कोरोनाने हरावामां सफल रह्या छे। राज्यमां हाल रिकवरी दर 98.76% पर पहोंच्यो छे। रसीकरणनी जो वात करीए तो एक दिवसमां 3.74 लाख लोकोनुं रसीकरण करवामां आव्युं। राज्य सरकारे अतिवृष्टि सर्वे में नवा तालुकाओनो समावेश कर्यो छे अने कुल 4 जिल्लाना 20 तालुकाओनो अतिवृष्टि सर्वे में समावेश करवामां आव्यो। तो राज्यना मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेले अतिवृष्टि सहाय माटे सर्वे कमिटीनी पण रचना करी। उल्लेखनीय छे कि धारासभ्यो द्वारा मळेली रजूआत बाद राज्य सरकारे नवा तालुकाओने सर्वे में समावा माटे निर्णय कर्यो। राज्यमां रस्ता रिपेरिंगनुं महाअभियान चाली रह्युं छे। त्यारे मार्ग अने मकान प्रधान पूर्णेश मोदीना मते 90% जेटला रस्ताओ रिपेरिंगनी कामगीरी पूर्ण करी देवाय छे। पूर्णेश मोदीए जणाव्युं कि अत्यारे राज्यमां ज्यां पण वरसाद रोकाई गयो छे तेवी जग्याओए रस्ता रिपेरिंगनी कामगीरी पूर्ण थई गई छे। हवे માત્ર 10% રસ્તાઓ એવા છે કે જ્યાં હવે 2 દિવસની અંદર રિપેરિંગની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવાશે। जन आशीर्वाद यात्रा बाद हवे राज्य सरकार 100 दिवस आ कामने प्रोजेक्ट करशे। तमाम प्रधानोए पोताना विभागना काम अंगे मुख्यप्रधान भूपेन्द्र पटेल समक्ष प्रेजेंटेशन रजू कर्यु। आवतीकाले मुख्यप्रधान सरकारना 100 दिवस अंगे प्रेस कॉन्फरन्स करवाना छे। गृह विभाग नार्को पॉलिसी पर काम करशे तो कृषि विभाग बागायती खेती सजीवन खेती कृषि सहाय पर कामगीरी करवामां आवशे। उपरांत सरकारना विविध विभागोमां मोटा पाये भर्ती पण करवामां आवशे। मुंद्रा अदाणी पोर्टनी ट्रेड एडवाइजरीए महत्वनो निर्णय लीधो। ईरान अफगानिस्तान अने पाकिस्तानथी आवता कार्गो मुंद्रा पोर्ट पर हेन्डलिंग नहीं थाय। 15 नवेम्बरथी आ 3 देशोमां आवतो कार्गो हेन्डलिंग नहीं करवामां आवे। उल्लेखनीय छे कि ताजेतरमां ड्रग्स कांड लईने मुंद्रा पोर्ट खूब चर्चामां आव्यो हतुं। 2 कंटेनरोमां 21 करोड़नुं ड्रग्स ताजेतरमां डीआरआईए जप्त कर्युं हतुं अने करोड़ोना ड्रग कांडने लईने अदाणी पोर्टनी सुरक्षा सामे अनेक सवालो उभा थया हता। हिना पेथाणी हत्या केसमां आरोपी सचिनना कोर्टे आगामी 14 तारीख सुधीना रिमांड मंजूर कर्या छे। हत्या केसमां आरोपी सचिन दीक्षितने गांधीनगर कोर्टमां रजू करवामां आव्यो हतो ज्यां पोलीसे आ केसमां वधु तपास माटे सचिनना 14 दिवसना रिमांडनी मांगणी करी हती, परंतु कोर्टे 14 ઓક્ટોબર સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા। બીજી તરફ બાળકને ત્યજવા મામલે પોલીસે સચિનને સાથે રાખીને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું હતું। આવતીકાલે આરોપીને વડોદરા પણ તપાસ માટે લઈ જવાશે।